ये देखें जी, ऑयल हमने गरम कराया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ दो छोटी छोटी सी रेसिपी हम शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने बच्चों के लिए ट्राई किए। तो चलें रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, ऑयल हमने गरम कराया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। ठीक है जी, अब इसमें हमने ये 2 टेबल स्पून के करीब मैदा है ये डाल दिया है, और इसको हम भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के करीब। ये देखें, जो ये मैदा हमारा भुनना शुरू हो चुका है, तो इसका सिर्फ हमने इतना भूनना है कि इसकी हल्की से खुशबू हमें आने लग जाए, और इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, वरना जो हम वाइट सॉस बना रहे हैं वो हमारी सारी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैदा जो है हमारा ये भून चुका है, और अब हम इसमें 1 कप दूध डाल रहे हैं। ठीक है, दूध ठंडा हो या गर्म हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हम इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते चलाते जाएंगे और मुसलसल चला रहे हैं, ताकि इसमें कोई किसी किस्म के कोई लम्स ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ। ठीक है जी, और इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये अच्छा सा ठीक हो जाए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी जो वाइट सॉस है ये अच्छे से तैयार हो चुकी है, और इसमें हम थोड़ा सा क्रीमी जायका लाने के लिए ये मायनीज डाल रहे हैं यंगर्स की, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। ओके, ठीक है जी, तो ये एक बहुत अच्छा क्रीमी जायका देगा हमारे सॉस को, और ये ऑप्शनल है, मगर अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा, बहुत क्रीमी टेक्सचर आएगा इसको, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ज़रूर डालें। ठीक है जी, अच्छा जी, ये वाइट सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, तो जैसे हमने बताया कि इस सॉस से हम 2 रेसिपियाँ तैयार करेंगे, तो एक रेसिपी के लिए हम आपको दिखाते हैं कि हमने इस तरह से, ये देखें, ये वेफर्स जो बाज़ार के तैयार मिलते हैं ये हमने लिए। ठीक है जी, अब देखें, इसमें हमने इस तरह से ये कचुआ निकाला है, बनाया है, प्याज, टमाटर और ये कॉर्न है। ठीक है, तो ये पहले हम इस पर डाल देंगे इस तरीके से, सही, आप कुछ भी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं नाचोस, सही जी। और ये ऑलिव हम इस पर डाल रहे हैं, सही, ठीक है, और ये वाइट सॉस जो हमने तैयार किया है वो हम इस पर डालेंगे। ठीक है जी, ये आप बच्चों के लिए बनाएं, बच्चे बहुत खुश होंगे, और बड़े भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ख़ास तौर पे बच्चे इस तरह की चटपटी चीज़ें, और बच्चे खाना ज़्यादा शौक से पसंद करते हैं। तो अब दूसरी रेसिपी दिखाती हूँ आपको मैं। कब मैंने पास्ता है ये उबाल के रख लिया था। ठीक है, तो आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, और इसे 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल के और उबाल लिया है, पानी से अच्छे से निकाल लिया था। चले, ये इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे ये कॉर्न उबले हुए। ठीक है जी, और ये देखें जी, ये हमने इसमें डाली है चिकन बोल, हम बनाई थी हमने। ठीक है, नगेट्स पड़े हुए थे मेरे पास, उसकी इस तरह से मैंने ये छोटी चिकन की बॉल्स बना के, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी, और ऑलिव ऑयल है ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो अब देखें, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, तो इससे ये है कि जायका बहुत अच्छा आ जाएगा, मगर ये है कि बस 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं डाल रहे, और इसको करेंगे अब हम मिक्स बहुत अच्छे तरीके से। जी ये देखें, हमारा पास्ता, वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है, तो इसे भी हम सर्व करते हैं।
ठीक है जी, ये देखें सही मज़ेदार यमी पास्ता, वाइट सॉस पास्ता हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, ये इसमें छोटी छोटी सी बॉल्स, ठीक है ना, और बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं इसके अंदर, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी, ये देखें एक ही रेसिपी के साथ हमने दो रेसिपी आपको तैयार करके दिखा दी है और झटपट तैयार होने वाली हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो आप अपने बच्चों के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ दो छोटी छोटी सी रेसिपी हम शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिए। तो चलें रेसिपी की तरफ।